गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू कंसेप्ट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और मीन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसी को मीन भी बोलते हैं, कभी क्वेश्चन के अंदर मीन वर्ड यूज़ करता है, कभी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या फिर सिंपली जो है एक्सपेक्टेशन बोलता है, राइट है। तो देखो क्या है, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डैश डैश एक्स एन बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू डैश 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 एफ ऑफ एक्स एन। इसका मतलब यह है कि देखो कैपिटल एक्स जो है वो आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर ये जो एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस पर प्रोबेबिलिटी आपके पास दिया है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन है, मतलब एक्स वन पे एफ ऑफ एक्स वन है, एक्स टू पे एफ ऑफ एक्स टू है और उसी तरह से डैश डैश एक्स एन पे एफ ऑफ एक्स एन है, जिस तरह से हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो है कैलकुलेट किए हैं। द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स और म्यू सफिक्स एक्स और सिंपली म्यू, राइट है। ये नोटेशन है, नोटेशन आपको याद रखना है, ये एक्सपेक्टेशन की नोटेशन है, मीन की नोटेशन है या फिर इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। तो ई ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, म्यू सफिक्स एक्स से भी डिनोट करते हैं और सिंपली म्यू से भी डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ओवर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट है। तो देखो सिंपल है, बहुत आसान सा है, आपको करना क्या है, जितने रैंडम वेरिएबल में नंबर्स दिख रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी जो दिया है, तो एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स टू प्लस एंड सो ऑन एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन, मतलब रैंडम वेरिएबल का एलिमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन का जो एडिशन है उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स, और ये है समेशन एक्स एफ बिलोंग्स टू एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो फिर और भी ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, रैंडम वेरिएबल का एलिमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन और जितने भी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एलिमेंट है, तो इस तरह से हर रैंडम वेरिएबल का एलिमेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे, तो वो जो एडिशन आई उसी एडिशन को जो है वो एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इट इज़ डिनोटेड बाय एम एक्स ऑफ टी एम सफिक्स एक्स ऑफ टी एंड डिफाइंड एज एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन और ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ई रेस टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स। देखो एक्सपेक्टेशन की जैसी इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल जैसे एक्सपेक्टेशन के अंदर जो है वो यहाँ पे स्मॉल एक्स है, मतलब रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स की जगह पे ई रेस टू पावर टी एक्स है, तो ई रेस टू पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे एम एक्स ऑफ टी। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट इज डिनोटेड बाय फाई एक्स ऑफ टी एंड डिफाइंड एज फाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन ओवर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ई रेस टू पावर आई ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स। बिल्कुल मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जैसी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे पैरामीटर टी है, पैरामीटर टी को हटा के यहाँ पे आई ओमेगा लगाए, इमेजिनरी नंबर आई ओमेगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बन गया है, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट है। अब ये तीनों के तीनों डेफिनेशन देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे है, यहाँ पे एक्स है एक्सपेक्टेशन में, यहाँ पे ई रेस्ट पावर टी एक्स आ गया और यहाँ पे ई रेस्ट पावर आई ओमेगा एक्स आ गया, तो डेफिनेशन याद रखना, आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो अगली डेफिनेशन हम देखेंगे, नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो देखो ये एक्सपेक्टेशन है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, जिस तरह से आपने ई ऑफ एक्स की डेफिनेशन देखी है, इस तरह से ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे ही हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये है वेरिएंस ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये ई ऑफ एक्स पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स है, ये फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में इसको एस डी भी लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स एंड डिफाइंड एज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट है। तो बहुत आसान से डेफिनेशन है, ये आपको आसानी से याद भी रहेंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो नोटेशन है सिग्मा एक्स है और उसका जो वैल्यू है वो अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स आता है। नेक्स्ट देखेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट्स अबाउट मीन।
नेक्स्ट डेफिनेशन है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. द आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज डिफाइंड एज म्यू आर डैश. ये नोटेशन है, देखो आरथ मोमेंट का नोटेशन है म्यू आर डैश एंड डिफाइंड एज म्यू आर डैश इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी रेस टू पावर आर एम एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, वेयर एम एक्स ऑफ टी इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. राइट है, तो आरथ मोमेंट जो है वो क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट देना है. जैसा आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट देते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को और उसके अंदर टी इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आएगा. फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट देते हैं, मतलब दो बार डिफरेंशिएट देते हैं और टी इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो वो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन रहेगा. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को थर्ड टाइम डिफरेंशिएट देते हैं, मतलब तीन बार अगर डिफरेंशिएट देते हैं और उसके अंदर टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन रहेगा. इसी तरह से फोर टाइम फिफ्थ टाइम सिक्स टाइम डिफरेंशिएट देकर टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वो उतने नंबर का जो है वो मोमेंट अबाउट ओरिजिन बनेगा. ये एक डायरेक्टली फार्मूला है. अगर डिफरेंशिएशन आसान है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे. अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को, देखो ये वाला मेथड भी है, इफ़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैन बी रिटन एज एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वन प्लस म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस म्यू थ्री डैश टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस म्यू फोर डैश टी रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, देन कोफिशियंट ऑफ टी टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल टी रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल आर कॉल्ड फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. अगर डिफरेंशिएशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ये वाले फॉर्म में वन प्लस म्यू वन डैश टी, यानी यहाँ पे टी वाला टर्म्स आना चाहिए, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाला, टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल और टी रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल और फिर इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा. तो ये जो कोफिशियंट है टी का कोफिशियंट यहाँ पे म्यू वन डैश है तो ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन रहेगा. टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल का कोफिशियंट म्यू टू डैश है तो ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन रहेगा. टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल का कोफिशियंट म्यू थ्री डैश है ये थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन रहेगा. टी रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल का कोफिशियंट म्यू फोर डैश है तो ये फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन रहेगा और इस तरह से आगे भी रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको फोर्थ मोमेंट तक ही पूछता है तो इसलिए मैंने फोर्थ मोमेंट तक ही आपको बताया हूँ. ये भी एक मेथड है और अगर ये भी डिफिकल्ट है तो ये भी एक तरीका है मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करने का. ये जो ई ऑफ एक्स है, ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन मीन, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स टू पावर फोर आर कॉल्ड फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट ओरिजिन. तो ये भी ओरिजिन मीन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है ई ऑफ एक्स स्क्वायर. जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी जो मेथड की वो हम अप्लाई करेंगे, कभी ये मेथड अप्लाई करेंगे कभी ये मेथड अप्लाई करेंगे और कोई कोई एग्जांपल में ये वाला भी अप्लाई करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सकें. इसके बाद देखेंगे हम मोमेंट्स अबाउट मीन. मोमेंट्स अबाउट मीन, इफ़ म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश एंड म्यू फोर डैश आर फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन देन फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन आर डिफाइंड एज म्यू वन इज इक्वल टू जीरो. ये रिजल्ट आपको जैसे कि वैसे याद रखने हैं. फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन अगर है आपके पास तो ये रिजल्ट से आप फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे. तो म्यू वन इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा जीरो रहेगा. असल में इसकी वैल्यू ऐसी होती है म्यू वन डैश माइनस म्यू. तो म्यू वन डैश मतलब फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है. फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन को ही हमने ई ऑफ एक्स बताए थे, मतलब मीन बताए थे, राइट है. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो गई तो म्यू वन डैश मतलब म्यू है, म्यू माइनस म्यू कितना हो जाएगा जीरो. इसलिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमेशा जीरो रहेगा. म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू प्लस टू म्यू क्यूब, म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू स्क्वायर माइनस थ्री म्यू रेस्ट पावर फोर. तो ये रिजल्ट आप जैसे भी याद करना चाहे याद कर लो. इसको ऐसे के ऐसे यूज़ करेंगे हम, इसके अंदर म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री डैश की जो है वैल्यू पुट करेंगे और ये मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे. अब देखेंगे हम इसके ऊपर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर वन है, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्रोबेबिलिटी वन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री प्रोबेबिलिटी वन बाय टू एक्स इज इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स, देन फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स ई ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री
ई ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। तो देखो सभी कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन में जो गिवन है आपके पास ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है और ये उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन ये है आपको x इज इक्वल टू दिया है माइनस टू और प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, माइनस टू पे प्रोबेबिलिटी है वन बाई थ्री, थ्री उस पर प्रोबेबिलिटी है वन बाई टू और वन उस पर प्रोबेबिलिटी है वन बाई सिक्स। तो अगर आपको ये फॉर्म में समझ में नहीं आया तो आप ये फॉर्म में सॉल्यूशन में लिख लेंगे, अगर समझ में आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको कैलकुलेट करना है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स होता है आपके पास समेशन और ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कैपिटल एक्स में जितने भी एक्स है हर एक्स के लिए आपको करना क्या है, एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर ऐड, फिर इसी तरह से जो है वो जितने नंबर्स है सभी नंबर के लिए सेम अप्लाई करना है। तो इक्वल टू पहला जो एक्स है वो माइनस टू है, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई थ्री, फिर प्लस दूसरा एक्स जो है वो थ्री है और इसकी प्रोबेबिलिटी है वन बाई टू, मल्टीपल में वन बाई टू, प्लस तीसरा एक्स जो है वो वन है और उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स है। अब इसका एडिशन करेंगे ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो एडिशन करते कितना हो जाएगा, ये माइनस टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू प्लस वन बाई सिक्स। तो इसको ऐड करके देखो, ऐड करेंगे तो देखो ये इसका एलसीएम जो है ये सिक्स इसका एलसीएम हो जाएगा, डिनोमीटर में मैं सिक्स ले लेता हूँ, सिक्स एलसीएम है, यहाँ पे थ्री है तो ऊपर टू से मल्टीपल तो ये हो जाएगा माइनस फोर, प्लस यहाँ थ्री, थ्री से मल्टीपल नाइन और प्लस डिनोमीटर में सिक्स है तो यहाँ पे वन एज इट इज़ रहेगा। इसको ऐड करके देखो तो कितना हो गया ये टेन माइनस फोर सिक्स, सिक्स अपॉन सिक्स वन, तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू वन आ गई। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपको। ई ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे मैंने ई ऑफ एक्स कैलकुलेट किया है एक्जैक्टली सेम फॉर्मूला लिखा हुआ ई ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो समेशन और ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, राइट है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे सिंपली एक्स लिए थे, अब एक्स का स्क्वायर लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीपल करके एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा पहला एक्स है माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कितना है वन बाई थ्री, प्लस थ्री का स्क्वायर वन बाई टू, प्लस वन स्क्वायर वन बाई सिक्स। अब इसको ऐड करके देखते हैं, माइनस टू का स्क्वायर फोर तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाई टू, वन का स्क्वायर वन, वन बाई सिक्स। फिर से सिक्स एलसीएम है, सिक्स को एलसीएम लिख लिया मैंने, यहाँ पे सिक्स एलसीएम है, डिनोमीटर में थ्री है, इसको सिक्स बनाने के लिए टू से मल्टीपल, टू से न्यूमरेटर में मल्टीपल, तो ये हो जाएगा एट, यहाँ पे टू है मतलब थ्री से मल्टीपल, ये हो जाएगा थ्री ज़ा नाइन कितना ट्वेंटी सेवन, प्लस सिक्स ऑलरेडी है वन, तो देखो कितना हो गया ये थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स सिक्स आंसर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई सिक्स, ठीक है, ये दो आंसर आ गए, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन और ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। अब नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का रिजल्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट किए हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिक्स है माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है वन, तो वन स्क्वायर, वन स्क्वायर वन, सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा फाइव। ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है ई ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ई, देखो मैं ई इसके अंदर इंटर करूँगा तो जो कांस्टेंट टर्म है वो ई से बाहर हो जाता है, जैसे फाइव है तो फाइव बाहर हो जाएगा और ये ई जो है ऑपरेट होगा वो एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट होगा, मतलब ये इस तरह से आएगा फाइव इंटू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इंटू ई ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है तो थ्री बाहर हो गया और ई यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब आपके पास यहाँ पे वन बचा और ई ऑफ वन की वैल्यू वन होती है। ई ऑफ वन मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ई ऑफ वन मतलब सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन हो जाएगा, एक्स की जगह वन आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ एक्स सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है वन होता है, ई ऑफ वन की वैल्यू वन होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आंसर होगा फाइव इंटू ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किए सिक्स माइनस सेवन, ई ऑफ एक्स कैलकुलेट किए वन प्लस थ्री
ई ऑफ वन की वैल्यू वन होती है, मैं आपको बताया हूँ। एक्स की जगह अगर वन रख देंगे तो समेशन एफ ऑफ एक्स रहेगा डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। और समेशन एफ ऑफ एक्स मतलब वन होता है। प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन लिखे थे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, उसकी सेकंड कंडीशन थी समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, फाइव ज सिक्स ज़ा फाइव कितना हो जाएगा, थर्टी माइनस सेवन प्लस थ्री, तो कितना आंसर, थर्टी माइनस सेवन ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस थ्री ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है ई ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, तो पहले मैं एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर को एक्सपांड कर देता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर से। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, अब ई को अंदर ऑपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ई ऑफ एक्स प्लस नाइन ई ऑफ वन, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर सिक्स है, माइनस सिक्स ई ऑफ एक्स की वैल्यू वन है, प्लस नाइन ई ऑफ वन की वैल्यू वन रखना है। तो ये सिक्स माइनस सिक्स कितना हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा, नाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव था। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर टू है अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिफाइंड बाय एक्स इज इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स इज इक्वल टू टू प्रोबेबिलिटी वन बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री प्रोबेबिलिटी वन बाय टू, फाइंड मीन वेरियंस मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो आपको मीन मतलब एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है, वेरियंस कैलकुलेट करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन देखो, इसका मीनिंग आपको पता है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, राइट है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप टेबल बना के लिख लो, और अगर आपको क्लियर हो गया कि ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वन पे एफ ऑफ एक्स वन बाय सिक्स है, एक्स इज इक्वल टू टू पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन बाय थ्री है, और एक्स इज इक्वल टू थ्री पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन बाय टू है, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन आपको कैलकुलेट करना है मीन, मीन मतलब आपको कैलकुलेट करना है ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ओवर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स। तो रखते चलेंगे इसके अंदर, एक्स इज इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स है वन बाय सिक्स प्लस टू वन बाय थ्री प्लस थ्री वन बाय टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, वन बाय सिक्स प्लस टू बाय थ्री प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा सिक्स, तो ये सिक्स है सिक्स, सॉरी वन एज इट इज़ थ्री है मतलब टू से मल्टीपल प्लस फोर प्लस टू है मतलब थ्री से मल्टीपल, यानी हो जाएगा नाइन। तो कितना आंसर बनाइए, नाइन थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन बाय सिक्स मतलब सेवन बाय थ्री, तो सेवन बाय थ्री इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू आपको कैलकुलेट करना है वेरियंस, तो वेरियंस के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन नंबर टू में आपको वेरियंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस के लिए मैं पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है वन बाय सिक्स प्लस टू स्क्वायर वन बाय थ्री प्लस थ्री स्क्वायर वन बाय टू। सॉल्व करेंगे तो ये वन बाय सिक्स प्लस फोर बाय थ्री प्लस नाइन बाय टू, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व, ये हो जाएगा एलसीएम सिक्स, वन प्लस एट प्लस ट्वेंटी सेवन, तो कितना हो गया ये, थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स, सिक्स आंसर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिक्स आ गई, ठीक है। अब जो है आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर टू है वेरिएंस, सेवन बाई थ्री है ई ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर टू है वेरिएंस, वेरिएंस तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन, सॉरी समेशन नहीं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने सिक्स कैलकुलेट किए, माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कितने कैलकुलेट किए थे, सेवन बाय थ्री, सेवन बाय थ्री का स्क्वायर,
तो 6 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 54 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5/9। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करेगी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 mx of t इज इक्वल टू होता है समेशन और ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x e रेस्ट टू पावर tx f ऑफ x। रखते चले गए x की वैल्यू जो है वो पहले 1 e रेस्ट टू पावर t इंटू 1 f ऑफ x 1/6 प्लस e रेस्ट टू पावर टी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू 2 और सॉरी रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 2 और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 उसके बाद प्लस ई रेस्ट टू पावर टी ऑफ एक्स की वैल्यू 3 प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर टी अपॉन 6 प्लस ई रेस्ट टू पावर 2t अपॉन 3 प्लस ई रेस्ट टू पावर 3t अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम फिर से 6 रहेगा, ई रेस्ट पावर टी एज इट इज, यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2t प्लस 3 इंटू ई रेस्ट पावर 3t, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका mx of t। और अगला लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो मैं इसे में चेंज कर देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये फाइव एक्स ऑफ टी, ठीक है सॉरी टी नहीं आएगा, फाइव एक्स ऑफ ओमेगा आएगा, फाइव एक्स ऑफ ओमेगा यहाँ पे आए ओमेगा टी की जगह आए ओमेगा आ जाएगा, ये पूरा आंसर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एक्स ऑफ ओमेगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में बस इतना ही फर्क है, यहाँ पे पैरामीटर टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में टी की जगह जो है वो क्या होता है आई ओमेगा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो अगले एग्जांपल भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फॉर रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी 1/2 इज इक्वल टू -1 प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट है। तो आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ सॉल्यूशन mx ऑफ टी, पहला क्वेश्चन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mx ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है समेशन और ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ई रेस्ट टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स। रखेंगे इसमें पहले e रेस्ट टू पावर टी, रैंडम वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या है 1 और इस पर प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2। उसके बाद प्लस e रेस्ट टू पावर टी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है -1 उस पर प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e रेस्ट टू पावर टी अपॉन 2 प्लस e रेस्ट टू पावर -t अपॉन 2, 2 जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर में e रेस्ट टू पावर टी प्लस e रेस्ट टू पावर -t। और ये अगर आपको पता होगा तो ये रिजल्ट है, ये होता है cos ht, ठीक है mx ऑफ t इज इक्वल टू cos ht। अगर नहीं याद होगा तो आप ये याद रखेंगे e रेस्ट पावर at प्लस e रेस्ट पावर -at अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है cos hat। तो यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई cos ht, ठीक है। तो mx ऑफ t आ गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया है
आपको फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम एक्स ऑफ टी की वैल्यू जो है कॉस एच टी आ गई है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये याद रखना है कॉस एच टी आंसर आया है। तो मैं लिखता हूँ अभी आगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर, द आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज म्यू आर डैश इज इक्वल टू, म्यू आर डैश इज इक्वल टू कितना, डी आर अपॉन डी टी रेस्ट टू पावर आर एम एक्स ऑफ टी, टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉस एस टी का डेरिवेटिव जो है वो आसान है, आसानी से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए मैं ये पहला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट मोमेंट मतलब आर की वैल्यू वन रखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा म्यू वन डैश इज इक्वल टू, आर की वैल्यू वन रखेंगे मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, डी बाई डी टी एम एक्स ऑफ टी, एम एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है कॉस एच टी है, तो ये हो जाएगा कॉस एच टी, टी इज इक्वल टू जीरो, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहले कॉस एच टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एच टी, ठीक है। देखो कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, लेकिन ये हाइपरबोलिक है तो डेरिवेटिव माइनस नहीं होगा, डेरिवेटिव प्लस ही होगा, साइन एच टी, टी इज इक्वल टू जीरो, इसमें टी इज इक्वल टू जीरो रखना है, तो टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करना है म्यू आर डैश म्यू टू डैश, आर की वैल्यू टू रखना है, तो आर की वैल्यू टू रखेंगे तो डी टू अपॉन डी टी रेस टू पावर टू, और एम एक्स ऑफ टी की वैल्यू कॉस एच टी, कॉस एच टी को दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, कॉस एच टी का पहला डेरिवेटिव देखो साइन एच टी, फिर इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एच टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एच टी वापस, और टी इज इक्वल टू जीरो रखना है, टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आंसर वन आ जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू थ्री रखेंगे यहाँ पे, म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू डी थ्री अपॉन डी टी रेस्ट पावर थ्री कॉस एच टी, टी इज इक्वल टू जीरो, कॉस एच टी को तीन बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कॉस एच टी को तीन बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ साइन एच टी, फिर सेकंड टाइम हुआ कॉस एच टी, फिर थर्ड टाइम करेंगे कॉस एच टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा साइन एच टी, और t इज इक्वल टू जीरो रखना है, जब t इज इक्वल टू जीरो आप यहाँ रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया। उसके बाद लास्ट जो है फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू फोर डैश डी फोर अपॉन डी टी रेस्ट पावर फोर कॉस एच टी, कॉस एच टी का फोर टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फोर टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन साइन एच टी, सेकंड कॉस एच टी, फिर साइन एच टी, साइन एच टी का फिर फोर टाइम करेंगे तो एक और बार करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एच टी, और टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आंसर कितना आएगा कॉस जीरो की वैल्यू वन। तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर देयरफॉर फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आर जीरो वन जीरो वन, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट फोर मोमेंट्स आपको कैलकुलेट करना था, फर्स्ट फोर मोमेंट्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब इसी टाइप का एक एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर फोर में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फॉर रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स गिवन बाय, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वन बाय टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, मैं वन की जगह जो है दोनों जगह रैंडम वेरिएबल की वैल्यू वन बाई टू माइनस वन बाई टू कर दिया हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। तो देखो जब आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वन की जगह e की पावर में टी बाई टू आ जाएगा, तो कॉस एस टी बाई टू उसका आंसर आ जाएगा, मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो कॉस एस टी बाई टू रहेगा यहाँ पे, राइट, कॉस एस टी बाई टू, कॉस एस टी बाई टू का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एस टी बाई टू इंटू वन बाई टू, मतलब इंटू वन बाई टू लग जाएगा यहाँ पे, तो पहला आंसर तो जीरो रहेगा, फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एस टी बाई टू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एस टी बाई टू इंटू टी बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर हो जाएगा, टी की वैल्यू जीरो रखेंगे कॉस जीरो वन, यानी वन बाई फोर आंसर आएगा, तो सेकंड मोमेंट वन बाई फोर हो जाएगा, थर्ड मोमेंट जीरो हो जाएगा, और फोर्थ मोमेंट जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे वन बाई एट वन बाई सिक्सटीन, तो वन बाई सिक्सटीन हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, और दिक्कत अगर डाउट आते हैं तो मेरे से पूछेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और फिर ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम
कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए इसको आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।